भागलपुर से एक शर्मनाक घटना सामने आ रही है। दरअसल एक युवक ने परेशानी के समय में कर्ज दिया। सच ही कहा गया है, भला करने वालों को आज के कलयुगी समय में और परेशानियों का ही सामना करना पड़ता है। एक तो युवक ने परेशानी के समय में कर्ज दिया और अब कर्ज के पैसे मांगे तो कर्जदार ने पहले तो जमकर गाली गलौज किया, फिर थूक चटवाया और उसके बाद जमकर धुनाई कर दी। मामला हबीबपुर थाना क्षेत्र का है। अनिल कुमार दास जो सहजंगी नवटोलिया हबीबपुर का रहने वाला है, उसने बताया कि सतीश कुमार ठाकुर ने 1,35,000 रुपए मेरे से कर्ज बतौर लिया और उन्होंने 1 महीने में लौटा देने की बात कही थी। जब मैंने उनसे अपना पैसा वापस मांगा तो उसने पहले तो गाली गलौज करना शुरू कर दिया, फिर मुझे कमरे में बंद कर काफी पीटा, उसके बाद मुझे जबरदस्ती थूक चटवाया और यह भी चेतावनी देकर छोड़ दिया कि तुम्हें जो करना है कर लो, हम तुम्हारा पैसा नहीं देंगे। अनिल कुमार दास ने बताया कि मुझे अब न्याय चाहिए, मैंने इसको लेकर हबीबपुर थाने में आवेदन भी दिया है लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। मामला था कि गाट बाट का है, सतीश कुमार ठाकुर बाप का नाम है मिथुन ठाकुर, हमारा हमसे पैसा कर्ज के तौर पर लिया था कि हमको है ना घर के में थोड़ा सा काम है भैया, हमको पैसा दीजिए, तो हमसे 1,35,000 रुपया लिए थे। वो ये पैसा लिए थे 9/4/24 को, इसी 9 अप्रैल 24 को। उसके पास हम पैसा एक महीना का समय लिया था, एक महीना जब पूरा हो गया तो हम बोले भैया पैसा दीजिए, बोला नहीं है नहीं है, आजकल टाल मटोल करते रहा। जब टाल मटोल करने के बाद उसके पास हम गए यहाँ पैसा लेने के लिए, 2 बार तो नहीं दिया वो, फिर बोला कि आइएगा 15 तारीख को, आज भी गए तो जाने के साथ उससे पैसा मांगे तो हमको बोलता कि तुम ज़्यादा तुम मन बढ़वा बनता मादर से चमार है, जाओ तुम्हारा पैसा नहीं देंगे, जो करना करना। इसी में बोले पैसा कहे दोगे, तो उसका चारों भतीजा मिल करके और संजीव ठाकुर मिल करके हमको कॉलर पकड़ करके अंदर घर घुसा लिया, घर घुसा के मारपीट लात घुसा करने लगा। उसके बाद जब हम उसको किसी तरह बचाने लगे तो बोला इसका कपड़ा खोले मारे, पूरा लंगा करके थूक फेंकवाया, थूक चटवाया, क्या बोला थूक चाटो चमार मादर चो, नहीं तो आज के बाद तुम मेरे घर पर नहीं आ सकते हो। तो हम जब वहाँ से छोड़ा तो हम किसी तरह भागते भागते थाना आए, थाना अभी अभी से थाना आए हैं, थाना के बगल से हम सारा बात बता रहे हैं, थाना प्रभारी को भी हम सब कुछ। भागलपुर में यातायात को दुरुस्त करने के लिए जिला प्रशासन एक तरफ जहां एड़ी चोटी एक कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इससे परेशान भी हो रहे हैं। भागलपुर के वार्ड नंबर 28 कल्लू मोमिन लेन हनुमान घाट बरारी घाट अंतर्गत रहने वाले कुमार गौरव की बजाज सिटी ब्लू ब्लैक रंग की गाड़ी, जिसका चालान लगातार बिना हेलमेट के रहने का तकरीबन 7 बार कट चुका है। एक बार तो उन्होंने चालान दे दिया, जब लगातार चालान कटने लगा तब जाकर यातायात विभाग में पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी से उन्होंने आवेदन दिया और सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो पाया कि वो गाड़ी थी नहीं किसी और की गाड़ी पर या रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी का अंकित था। वहीं इस पर जल्द संज्ञान लेने के लिए फरियादी लगातार फरियाद लगा रहे हैं लेकिन अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। वहीं जिला प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि इस पर संज्ञान लिया जाएगा। उस गाड़ी का लगातार चलान कट रहा है हेलमेट नहीं पहनने का, और चलान के साथ जो संलग्न फोटो है उससे साफ प्रतीत होता है कि वह मेरी गाड़ी नहीं है, मेरी गाड़ी घर पे खड़ी है लेकिन कंटिन्यूटी में 6-7 चलान कट चुका है। यातायात थाना को और यातायात डीएसपी साहब को भी जानकारी दिया, लिखित भी मौखिक भी। आज 14/6 को पुनः यातायात थाने में आवेदन दिया कि इस तरह का मामला है और इस पर कार्रवाई की जाए। तो मेरी बजाज की सिटी 100 मेरी गाड़ी है और फोटो में देखने से पता चल जाता है वो बजाज की तो गाड़ी नहीं है, कम से कम दूसरे किसी कंपनी की गाड़ी है। कार्रवाई होनी चाहिए, इससे लोग मानसिक और आर्थिक दोनों तरह से परेशान हो रहे हैं। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के मुरारपुर जख बाबा स्थान के पास जंगल में एक युवक का बेरहमी से मार कर फेंका हुआ शव पुलिस ने बरामद किया। वहीं शव मिलने के बाद पूरे इलाके में आग की तरह बात फैल गई, पूरे इलाके के लोग भय के माहौल में हैं। हालांकि इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंची, साथ ही भागलपुर के सिटी एसपी मिस्टर राज भी अपने दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने बताया कि अज्ञात लोगों ने युवक की हत्या कर दी, इस हत्या का क्या कारण है इसका अभी पता नहीं चल पाया है, जल्द इस पर संज्ञान लिया जाएगा और दोषियों को पकड़कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वहीं सब की पहचान पासी टोला के रहने वाले नीरज चौधरी के रूप में हुई है। इस घटना का खुलासा तकरीबन 8 बजे सुबह हुई। वहीं सब को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घर से निकला था 7 बजे, 7 बजे गया तो पीछे किधर जा रहे, तो बोला सूरज के साथ जा रहे हैं, तो मोबाइल घर में छोड़ गया। उसको बोले हम अपना हस्बैंड को मोबाइल लेते जाइए, बोला कि सूरज का नंबर पे आपको कॉल करना, उसके साथ जा रहे ना,
इसी का नंबर पे कॉल करना जान लेट हो जाता है, बोला कि 8 बजे तुम कॉल कर देना, तो हम 8 बजे कॉल किया ना उसका मोबाइल पे, तो बंद मोबाइल बता रहा था, बंद 8 बजे जब बंद हुआ तो बंद हो गया, 11:30 रात में उसका मोबाइल खुला है। और यहाँ से घर से गया है, दिलीप था साथ में और विक्की है साथ में, मेरा हस्बैंड तीनों गया, और मेरा हस्बैंड को जाकर वहाँ दो गच्छी में बोलता है छोड़ दिया, हमको मालूम नहीं वो दो गच्छी गया है, हमको इतने बोला हम आधा घंटा आ जाएंगे, और वो दोनों ले जाके मेरा ही बाइक भी था, और दोनों उसको छोड़ दिया, मेरा बाइक लेके मेरे द्वार पे लगा दिया था। हम उसको पूछे ऊपरे से कि मेरा हस्बैंड कहाँ है, तो बोलता कि दो गच्छी गया आ जाएगा थोड़ा देर में। जिन्हें सूरज है ना, इसी के द्वारा से किधरों जगह जमीन ले रहा था, इसी के द्वारा से पैसा उसको दिया जा रहा था, सब इसी में सूरज है, सब कुछ पैसा कौड़ी देता था, इसका घर पे भी जाता था, रात में भी बात क्या क्या करता तो वो हमको नहीं बताता, खाली बोलता था हम सूरज के पास जा रहे हैं, मतलब घर हम आ जाएंगे थोड़ा देर में। उसी के द्वारा से माध्यम से पैसा कौड़ी जगह जमीन कहाँ ले रहा है वही सब जानता है। उसी को पकड़ के आप पूछिएगा, हम मेरा हस्बैंड जो आपका नाम लिया सूचना प्राप्त हुआ नाथगढ़ पुलिस को 8 बजे करीब कि एक नीरज चौधरी जो पासीटोला के रहने वाले हैं उनकी जो है एक सब बरामद हुआ है, और इसको लेकर पुलिस यहां पे आई और सबको अपने कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अभी अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा इसमें लग रहा है कि इनकी हत्या की गई है, पोस्टमार्टम के लिए आ गया, रिपोर्ट आएगा और अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, एफएसओ की टीम, लॉन्ग स्क्वायर की टीम और एचडीपीओ सिटी 2 है यहाँ पे, और टेक्निकल टीम इसमें लगी हुई है, जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा किया जाएगा। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकूल जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है, तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर जिला अंतर्गत लोधीपुर थाना क्षेत्र के गोहरिया गांव में 1 एकड़ 40 डिसमिल चमरिया पोखर है। इस पोखर में छोटे लाल मंडल, पिता स्वर्गीय कंचन मंडल मछली पालन करते हैं। पीड़ित का कहना है कि विगत 13 जून को रात्रि के समय 11 बजे मेरे गांव के ही चंदन मंडल, तिरंगा मंडल और इंद्रदेव मंडल ने मेरे पोखर में जहर दे दिया और भाग गए। देखते देखते करीब 5 क्विंटल मछली मरकर किनारे आ गया। वहीं अभी मछली छोटी है तो करीब 2 लाख का नुकसान हुआ, लेकिन आंकड़ा करीब 10 लाख के पार है। वहीं पीड़ित छोटे लाल मंडल ने इसकी शिकायत लोधीपुर थाने में की है। बहरहाल पीड़ित परिवार काफी डरा सहमा है, क्योंकि मछली पालन ही उसका एकमात्र जीविका का साधन है। वहीं लोधीपुर थाना अध्यक्ष श्यामला कुमार ने कहा कि जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपका की बात छे? ये बात छे दे दल के मैं जहर आरोप की बात छे मैं तो छलबो ने कर लिया मैं अप्रैल लेके गेलो रे डॉक्टर। जहर के दिला से कुछ अंदाज छे?
जहर तो बतेबे कर लखन सुनबे कर लखन। क्यों जहर देगा वो जीव जंतु से, उसको क्या दुश्मनी है? दुश्मनी अब की छे तब हम नहीं जान छे। आपका क्या नाम हुआ? संते देवी। तीन के पत्नी है आप? हाँ। कोई जीविका का कोई साधन है कि मछली पालन ही धंधा है आपके हस्बैंड का? हाँ। कोई दूसरा साधन नहीं है? ना। क्या मांग करते हैं सरकार से? मांग करवाइए होते जे मामला कोई दुर्दनी से इसमें जहर डाल दिया है, पॉइजन डाल दिया। इसकी शिकायत आपने कहाँ किया? थाना किया। क्या बोले थाना प्रभारी? थाना आवेदन दिए अभी तक नहीं आया है इनको। कौन थाना पड़ता है? लोदीपुर थाना। आपका घर? गुहारियो। कितना मछली होगा इसमें? मछली तो इसमें कम से कम 40 क्विंटल होगा। कितना का नुकसान हुआ? हमको लगता है 40 का 40 हो गया। ये बिल्कुल नाजायज है सर। नाजायज है, पूरा अपने समाज के पूरा इंडिया के लिए नाजायज। बिल्कुल। इसकी सर इसकी सजा जो है ना, इसको तो जो होना चाहिए इसकी भुगतान जो है वो तो सरकार अपने करेगी। जो इसके साल खिलवाड़ किया उसको जेल नहीं होना चाहिए, सजा मिलना चाहिए। इसमें बिल्डिंग डाला है, दवाई डाला है, तब तभी तो मछली मिला है। तो ये मछली जो मर गया है उसमें भी तो जीव होता है? जीव तो होता है। तो क्या ये गुनाह है? अच्छा काम किया खराब काम किया? खराब काम किया। क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए उसके खिलाफ? उसका हर्जाना मिलना चाहिए। और जो जहर दिया है उसके साथ क्या होना चाहिए? उसका कानून कार्रवाई करना चाहिए। भागलपुर के बाबा भूतनाथ स्थित कंपोस्ट किट का निरीक्षण आज भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने किया। उन्होंने कहा यह योजना 2022 से चल रही है लेकिन अभी तक इसमें कुछ विस्तार नहीं हो पाया है। इसके विस्तार के लिए भागलपुर के सभी वार्ड से गीला कचरा और सूखा कचरा को यहां लाया जाएगा और बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा इस पर काम करते हुए कम्पोस्ट की तैयारी की जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी तक इस कम्पोस्ट बनाने की योजना पर विस्तार से काम नहीं हो पाया है लेकिन यह जल्द शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि सूखा कचरा और गीला कचरा भी वार्ड नंबर 1 से वार्ड 13 तक के लोगों के द्वारा नगर निगम की सहायता से यहां जमा किया जा रहा है और कंपोस्ट तैयार किया जा रहा है लेकिन मेयर के अनुसार पूरे भागलपुर के सभी वार्ड में ऐसा कार्य होना चाहिए। कंपोस्ट पिट आज हम लोग देखने के लिए आए थे तो कंपोस्ट पिट में खाद तो बन रहा है और ये प्रोसेस में है लेकिन ये बहुत कारगर नहीं है। अभी बहुत सारी महिलाएं यहाँ आती है काम करने के लिए और इधर से ये प्रोसेस चालू हुआ है। हालांकि ये 2022 में ही बन के तैयार हुआ है, 2022 से काम चल रहा है यहाँ पे लेकिन कुछ व्यवस्था नहीं होने के चलते और जानकारी नहीं होने के चलते जितने भी जो भी खाद इससे तैयार किया गया उसको निरस्त कर दिया गया कृषि कॉलेज के द्वारा। अभी मई से 2024 मई से स्टार्ट किए लोग फिर से बनाना और अभी ये प्रोसेस में है। कुछ दिन के बाद ये पूरी तरह से बन के तैयार होगा। जो कृषि कॉलेज से आएंगे टेक्निकल वो देखेंगे कि हाँ ये सही खाद तैयार हुआ है, उसके बाद इसकी मार्केटिंग होगी। और एक पीट तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, यहाँ उद्घाटन होना अभी बाकी है। 10 पीट इधर भी बन के तैयार है और इंस्टॉल होने के लिए मशीन सब भी है रखा हुआ। तो इसमें हम यही बोलना चाहेंगे ये तभी कारगर होगा जब घरों से गीला कचरा और सूखा कचरा आए यहाँ तक और ये केवल 1 से 13 नहीं 1 से 51 वार्डों का गीला और सूखा कचरा आए तब बृहद मात्रा में इसमें काम होगा। जिस तरह से यहाँ पे पिट बनाए गए हैं, जिस तरह से मशीनें यहाँ लगी हुई हैं तो ये पूरा 1 से 51 वार्ड का यहाँ कचरा आ सकता है और यहाँ खाद तैयार हो सकता है और इसकी मार्केटिंग अच्छे से हो सकती है। तो इसके लिए हर घर को गीला सूखा कचरा अलग करने के लिए डस्टबिन देना पड़ेगा और देना है नगर निगम को और तभी ये संभव हो पाएगा। तो मैं इसके साथ यही बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले गीला कचरा और सूखा कचरा घरों से यहाँ लाने की व्यवस्था हम लोग निगम के द्वारा कराएंगे, उसके बाद ये कारगर होगा। बकरीद त्यौहार पर जिले में सुरक्षा की व्यवस्था मजबूत रहेगी। किसी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए जिला प्रशासन पूर्ण रूपेण तैयार है। इस त्यौहार में शांति व सौहार्द कायम रहे इसको लेकर हर मोहल्ले में शांति समिति की बैठक भी की जा रही है। भागलपुर व भागलपुर के आसपास के क्षेत्र में भी इस बकरीद त्यौहार को शांति से मनाने को लेकर जिला प्रशासन पूर्ण रूपेण कमर कस चुकी है। इसकी जानकारी भागलपुर के CTSP श्रीराज ने दी। उन्होंने कहा गलत भ्रामक खबर फैलाने वालों और गलत करने वालों पर भी प्रशासन पूर्ण रूपेण कलकसेगी। आगामी बकरीद को लेकर जिला में सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है और एहतियातन के तौर पे सभी थानों में शांति समिति की बैठक की जा रही है।
तथा अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक। लोगों से अपील है कि इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाएं तथा किसी तरीके से कुछ भी अगर भ्रामक उनको सूचनाएँ प्राप्त होती हैं इस संबंध में तत्काल पुलिस को सूचित करें और उन किसी भी अफवाहों पर विशेष ध्यान न दें। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है और जो हम लोग का सरकारी नंबर उपलब्ध है, किसी तरीके की सूचना प्राप्त होती है तो हमको दें, उसका सत्यापन करते हुए उसी सूचनाओं पर विश्वास करें। और लोगों से अपील है कि इस समाज में सौहार्द बनाए रहें, शांति व्यवस्था बनाए रहें। धन्यवाद।